आगे आप जो रिजल्ट है एंड आपने कैसे ये पूरा कंसेप्ट किया है, कैसे ये स्टार्ट किया? थैंक यू सो मच. जी हाँ, ये हमारा सीजन 3 ऑफ द इंटरनेशनल ग्लैमर प्रोजेक्ट मिस टीन इंडिया, मिस इंडिया और मिसेज इंडिया चल रहा है और बहुत खुशी है हम दोनों को. एज डॉक्टर्स, एज पीपल हु हैव बीन इन द पब्लिक डोमेन, वी रियलाइज आवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी विच इज टूवर्ड्स एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, ऑफ इंडिविजुअल्स दैट नीड टू कम आउट ऑफ देयर कम्फर्ट जोन and be beacons of hope. A lot of inspiration is required to be the role models that we are always looking for. And I think Dr. Swaroop aur maine jis platform ko itne pyar se banaya hai, kya keh sakte hain hum, that we are very excited ki aaj hame ye din dekhne ka mauka mila hai. जिस तरह से डॉक्टर अक्षता ने कहा है कि ये हमारा तीसरा सीजन है एंड द एक्सपीरियंस हैज बीन ब्रिलियंट यार, क्योंकि जितना हम लोग आगे बढ़ रहे हैं हमको उतना सपोर्ट भी मिल रहा है, साथ भी मिल रहा है, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और बहुत ज़्यादा रिस्पांस मिल रहा है. जी हमें 4,500 एप्लीकेशंस आई थी सीजन 3 के लिए, जिसमें से शॉर्टलिस्ट, सिलेक्शन राउंड, फिल्ट्रेशन, ऑल द प्रोसेस के बाद हमने 100 को सिलेक्ट किया. 100 वेंट थ्रू द ऑडिशंस, द स्क्रीनिंग्स, और उसमें से टॉप 50, देन देयर वर अगेन स्क्रीनिंग्स, ऑडिशंस एंड फिल्ट्रेशंस. आज हमारे साथ टॉप 35 फाइनलिस्ट है ऑल ओवर इंडिया से, इन द 3 कैटेगरीज ऑफ मिस टीन इंडिया, मिस इंडिया एज वेल एज मिसेज इंडिया. हमने इंडिया में मिस इंडिया को बढ़ावा बहुत दिया है और काफ़ी प्लेटफॉर्म्स है जो मिस इंडिया को अपॉर्चुनिटीज भी देते हैं. जब डॉक्टर स्वरूप और मैं ये प्लान कर रहे थे, हमने देखा कि देयर वॉज अ लकुना इन द नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज गिवन टू नॉट ओनली मिसेज इंडिया बट ऑल्सो मिस टीन इंडिया. हैंस वी क्रिएटेड अ प्लेटफॉर्म दैट केटर्स टू ऑल द 3 कैटेगरीज, मिस टीन इंडिया, मिस इंडिया एज वेल एज मिसेज इंडिया. पहले तो हम लोग ऑब्जेक्टिफाइंग वीमेन के अगेंस्ट है, तो कोई हाइट क्राइटेरिया नहीं है, वेट क्राइटेरिया नहीं है, एज क्राइटेरिया नहीं है. ज़्यादातर पैजेंट्स और ग्लैमर को यूजुअली ऑब्जेक्टिफिकेशन के हिसाब से देखा जाता है, तो वो हमारा बिल्कुल नहीं है और यही हमारा सबसे बड़ा यूएसपी है. वेल, जैसे आपने अभी कहा, आगे हम क्या कर रहे हैं, फर्स्टली वी आर ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स एंड आई वॉन्ट टू डिक्लेयर दैट वी आर नॉट जस्ट लुकिंग फॉर मॉडल्स बट वी आर लुकिंग फॉर रोल मॉडल्स. इसमें हमें कोई देयर इज नो डाउट इन दिस. और हमारी कंपनी का सेकेंड आर्म है TIGP Productions Private Limited, जहाँ पे हम मूवीज, म्यूजिक और मैजिक क्रिएट करने वाले हैं. प्लस हमने अपना नया लेबल लॉन्च किया है द रिसेंटली हेल्ड पेरिस फैशन वीक इन 2023. TIGP कोथवर एंड फैशन इज नाउ आवर ओन इन हाउस डिजाइनर लेबल विच विल बी शोकेस्ड इन मेनी मेनी इंटरनेशनल फैशन वीक. हमारा लॉन्च ऑलरेडी पेरिस फैशन वीक में हो चुका है. थैंक यू. देश भर से महिलाएं आई है एंड उनको सपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ आई हूँ. I'm sure all of them are winners in their own right, but today we're going to handpick a few who are going to take the crown. So yeah, I'm quite excited. I hope you guys are too. आप भी तो जानती है और एक शिखर पे आप हो, तो क्या कहना चाहेंगे उनको जो स्टार्ट करें? I think ये सारी जो महिलाएं हैं, there are more than 100 of them this year. Who've gone through 9 months of training and come here. तो मैं जहाँ भी आज पहुँची हूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि only hard work, dedication and honesty towards your work can get you where you want to go. जिस शिखर पर आपको पहुँचना है आप ज़रूर पहुँचेंगे और मेरे best wishes हमेशा आपके साथ है. और
आई थिंक ये जो हमने बनाया हुआ है ना, हाइट कितनी है, वेट कितना है, कितना फैट है, थिन है, इस सब को छोड़ छाड़ के एक अगर इंडिविजुअल पर्सनालिटी पर आप फोकस करेंगे जो ऑर्गेनाइजर्स कर रहे हैं, एंड दैट इज़ द बेस्ट थिंग टू डू, बिकॉज आई डोंट थिंक सेग्रीगेटिंग, क्योंकि कोई ज़्यादा पतला है, कोई ज़्यादा, यू नो, खामियां निकालने से कोई किसी का कुछ होने नहीं वाला. सो आई थिंक वी नीड टू बी अ लिटिल मोर इंक्लूसिव, एंड आई रियली वांट टू कंग्रेचुलेट द ऑर्गेनाइजर्स फॉर डूइंग दैट. जी मैं जज करने वाली हूँ. आई डोंट लाइक दैट वर्ड जज, बिकॉज आई वुडंट लाइक पीपल टू जज मी, सो आई डोंट वांट टू जज पीपल, बट this is a contest, so there are a lot of things. Like I said, I'm looking for a personality to represent the Miss India, Miss Teen India and Mrs. India, so it needs to be an overall package, and I'm really looking forward to seeing what the girls have. जी रुसलान अभी 26th अप्रैल को रिलीज़ हुई थी, उसके बाद एक और फिल्म आने वाली है थिएटर्स में, और उसके बाद देर इज़ मिसमैच सीज़न 3 जो इज़ क्वाइट अवेटेड. सब लोग मुझसे पूछते रहते हैं, तो मैं बता दूं कि मिसमैच सीज़न 3 शूट हो चुका है और शायद इस ईयर के एंड होने से पहले आ भी जाए नेटफ्लिक्स पर. यस ऑफ कोर्स आई एम चूजी अबाउट व्हाट आई वांट टू डू. मुझे लगता है कि from whatever I get, it needs to take my so the simple thing is, जब मैं set पे जाती हूँ मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ, तो उस खुशी को बरकरार रखने के लिए मुझे वो करना है जो मुझे अच्छा लगता है, मुझे जिससे खुशी हो, जिससे मैं कुछ अलग हर वक्त हर हमेशा कर सकूँ. सो ऑल द रोल्स दैट आई एम प्लेइंग नाउ ऑन OTT एंड इवन इन फिल्म्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. हर एक किरदार में, इवन इफ सम ऑफ द कैरेक्टर्स आर फ्रॉम से स्मॉल टाउन इंडिया, यू विल नेवर सी द सेम विद्या अगेन इन अ पार्ट. समथिंग अबाउट इट इज एवरीथिंग अबाउट इट एक्चुअली इज अबाउट हर इज डिफरेंट, एक्सेप्ट के जो मेरा सोल है वो उसमें है विद्या. बट या फॉर मी इट्स इम्पॉर्टेंट दैट आई प्ले डिफरेंट कैरेक्टर्स, एंड आई गेट एक्साइटेड अबाउट यू नो पार्ट्स एंड कैरेक्टर्स एंड पीपल हु आर मेकिंग इट. थैंक यू वेरी मच. I can speak in English or in Hindi. Okay. Let me be very honest with you that I am very excited with TIGP for the simple reason that this is something which is unique, and for the Indian models, it's a gateway to the global world. You look at the models here, first time ever TIGP has started doing something where we are producing global talent locally. And that gives me a lot of pride when I become a jury member and I'm evaluating local talent, which is going to be for the global market, be it for London, Paris, Milan, and the likes. What such kind of events helps you to learn? Absolutely. It's an amazing platform, because always when we used to have glamour shows, it was always for India and it was limited. Today, when we look at the newcomers, they've got a passport to reach the global arena, be a supermodel, and they take wings very quickly and their dreams come true to fly higher and higher. Couldn't be a better opportunity than this as a launching pad. Thank you so much. I enrolled in TIGP in January 2020, and then the first season of TIGP held in September 2021, and I won Mrs. India. I was crowned as Mrs. Cosmos India 2021, and later I represented India in USA Orlando in the month of June 2022, and there I bagged Mrs. Cosmos International as the first runner-up. My name is Shipra Singh and I have participated in TIGP in 2023.
and I was the second runner-up, and I got two subtitles, Mrs. Glamorous Goddess and Glamorous Face. And उसके बाद मुझे opportunity मिली TIGP से international participate करने के लिए Mrs. Universe Philippines 2023 में. And वहाँ पे मुझे ये subtitle मिला, Mrs. Universe Creativity 2023. And I must say that this platform is very unique, that each and every woman is coming out of their comfort zone and creating wonders in their life. And they are doing really great job. Dr. Akshita Prabhu is a great mentor. मैं फिलीपींस में थी और वहाँ पे 90 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था. एंड आई मस्ट से कि जो मेंटरिंग डॉक्टर अक्षिता प्रभु ने दी है, दैट वाज रियली वेरी डिफरेंट एंड यूनिक, जहाँ पे कि आप कह सकते हो कि यू आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर पार्टिसिपेंट्स. और आप कहीं स्टैंड करते हो, जब आप अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करते हो इंटरनेशनल लेवल पे, इट्स अ प्राउड मूवमेंट. एंड आई थिंक दैट मूवमेंट आई हैव गॉट फ्रॉम मिसेस अक्षिता प्रभु, एंड TIGP हैज गिवन मी दैट प्लेटफॉर्म. सो ऑल थैंक्स टू TIGP, डॉक्टर अक्षिता प्रभु एंड डॉक्टर स्वरूप सर. सो दैट्स इट. क्या TIGP ने कैसे ग्रूम किया आपको? हाँ, तो मैं थॉटलेस विनर हूँ TIGP का. मैं मिस टीन इंडिया सीजन 2023 में जीत गई हूँ और मैं हियरिंग एड पे हूँ और आई एम सो ग्रेटफुल फॉर TIGP गिविंग मी दिस बिग अपॉर्चुनिटी. और आई कुडंट बिलीव कि मैं आ सकती थी इस मॉडलिंग फील्ड में. सो थैंक यू TIGP फॉर मेकिंग मी द बेस्ट ओवर हियर. थैंक यू सो मच फॉर TIGP गिविंग माई डॉटर सो मैनी अपॉर्चुनिटीज. वी नेवर थिंक इन आवर ड्रीम ऑल्सो कि शी कैन डू मॉडलिंग, बट TIGP एक्सेप्टेड हर इवन हर डिफॉर्मिटीज. शी इज ऑन हेयरिंग एड, बट दे गेव, दे सेड एवरी वन इज सेम, वी वॉन्ट टू गिव यू अवर एनकरेजमेंट, यू कम अहेड. एंड देन शी रिप्रेजेंट द फ्लोर इन द पेरिस फैशन वीक ऑल्सो. सो थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू सो मच TIGP, यू रॉक. थैंक यू TIGP का थैंक्स. और उसने जो किया है, हार्डवर्किंग जो किया है विदाउट एनी सपोर्ट और विदाउट एनी बैकग्राउंड, वो आज जो भी एक्टिविटी या जो भी राउंड उसने किए है, वो खुद उसने खुद के कैपेबल जो भी है वो उसने खुद पे किए है. और यहाँ पे आने के लिए, उसे चांस देने के लिए TIGP का थैंक यू सो मच और ऑल द बेस्ट टू ऑल कंटेस्टेंट्स. Hello everyone, my name is Pavni Chhabra and I'm the winner, second place winner of International Glamour Project Miss Teen India 2021. TIGP has been like a family to all of us, carried us along the way that we cannot even imagine, given us opportunities at every step of the way. Picking me out as a 13-year-old from Dehradun and bringing me here on the big stage of Mumbai and me sitting as a judge in one of the jury panels has been a dream come true for all of us. Being a part that I couldn't fly to US because of my visa's issue, I was given opportunities even after shooting a music video with the one of the biggest music companies in India, and it was just magical. So thank you so much TIGP for giving us the opportunities and tagging us along like a family. You are just the best. Thank you. Thank you. Born and raised in City of Dreams, Mumbai, currently working as a cabin crew with our national airline carrier. I am here to explore myself in this glamorous industry. Thank you. TIGP एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर लड़की को अपना ड्रीम चेज करने का मौका मिल रहा है. कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास बैकग्राउंड, मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली है कि ग्लैमरस इंडस्ट्री कैसी है वो देखने का. सो थैंक्स टू TIGP, मुझे एक्चुअली ये इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ पता चल रहा है कि ये इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है. दैट्स इट. थैंक यू. सॉरी.
Hi, my name is Roshali Shah and I'm competing in the Mrs. category, and I've participated a lot in a lot of pageants. I've won like 10 titles and crowns. But what brings me to TIGP is that it's an international platform. I think it's the only gateway to go international. And it's different. It's not a pageant like you participate in 2 to 3 days and you get it over with. It's a transformative journey. We have been with TIGP for a year and we have undergone like a year-long training, and it's very challenging. I mean, though there are contestants who are like, you know, participating for the first time, but we just saw the scores and they are so mixed. I mean, it's like anything can happen. I'm Dr. Mithula Nair from Kerala. The capital city of Kerala, Trivandrum, is where I've been born and brought up. So I'm a contestant in the Mrs. category for the International Glamour Project Mrs. India 2024. So yes, I have come here to improve myself and to be the winner. Hi everyone, my name is Vaidehi Patil and I'm representing Jalgaon, Maharashtra on this International Glamour Project platform under the Mrs. category. And I'm a chartered accountant by profession. I'm also a classical dancer, trained classical dancer. I have been danced from since 15 years. Thank you. Hi, I'm Dr. Seema Sute. I have come from Khandwa, Madhya Pradesh. And TIGP is the international platform I want to explore. I had won many titles previously in Mrs. India competition. This is the platform where I am trying my opportunity to the international world. Thank you. Start. Hi, namaste. I'm Anaga Shuruma. I'm coming from Ernakulam, Kerala, and I'm currently working as a quality assurance trainee, and I'm participating for the Miss category. And TIGP is a great platform to be yourself and to contest yourself in a pageantry like this, where beauty is not treated from the outer appearance, rather it is participating and treating people on terms of their inner beauty. And so I am here for you. Thank you.